हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम हाउ टू यूज़ बूम बॉक्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि देख सकते होंगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस से बूम बॉक्स को मंगवाया है। तो चलिए अब बारी से पेपर नाइफ की हेल्प से इसे काटने की। तो कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो जैसे कि देख सकते होंगे कि इन्होंने हमें बबल रैपिंग के साथ भेजी थी और साथ ही साथ इसके अंदर एक और पैकेजिंग है। तो चलिए अब बारी से फाड़ने की। तो कुछ इस तरीके से हम इसे फाड़ लेंगे। इसके अंदर हमें 2 GST पिन मिलती है, जैसे कि आप देख सकते होंगे, जो कि 12 इंच लेंथ है इसकी। चलिए अब बारी अपने बूम बॉक्स को निकालने की। तो ये हमारा बूम बॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो हम इसकी विड्थ को नाप लेते हैं। तो जो इसकी विड्थ है वो है 0.92 इंचेस। चलिए अब बारी इसकी लेंथ को नापने की। तो चलिए अब हम इसकी लेंथ को नाप लेते हैं, जो कि हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 3.13 इंचेस। तो कुछ इस तरीके से हमने डिजिटल मीटर की हेल्प से इसे नाप लिया है। तो आप इसे कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। तो चलिए अब बारी हम इसे टेस्ट करने की कि हमारा बूम बॉक्स कैसा चल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये MP3 है, इसमें हमें USB लगता है, ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे DC 5 वोल्ट इनपुट जाता है, यहाँ पे हम प्रीवियस कर सकते हैं और गाने को पॉज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये हमारा ऑक्स, ये हमारा मेमोरी कार्ड लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि बैक साइड में हमें एक माइक का ऑप्शन मिला है, और जो रेड कलर का वो हमारी बैटरी का है, वाइट वाला हमारा स्पीकर है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा स्पीकर भी इसमें अटैच कर सकते हैं, बगल में दे रखा है। तो बैक साइड की जो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो मुझे तो ये मॉड्यूल बिल्कुल अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते होंगे। इसमें एक एंटीना का भी कनेक्शन दे रखा है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। चलिए अब बारी है कनेक्शन देने की। तो बैटरी का कनेक्शन हम फीमेल GST पिन से दे देंगे। तो अब बारी अपने स्पीकर को कनेक्शन करने की। तो स्पीकर के मेल GST पिन को हम मॉड्यूल के फीमेल GST पिन से अटैच कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते होंगे। चलिए अब बारी अपने सर्किट को ऑन करने की। तो जैसे कि देख सकते होंगे कि हमारे मॉड्यूल कितने अच्छे तरीके से आवाज़ किया है। तो चलिए अब बारी हम इसे ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते होंगे नीचे हमारा BT1007B करके शो कर रहा है, तो हम इसे पेयर कर लेंगे। होप आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी। तो चलिए अब बारी कुछ गाना प्ले करके चेक करते हैं कि मॉड्यूल कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये जो मॉड्यूल है ये 5 वाट के स्पीकर को अच्छे से ऑपरेट कर देता है। तो जैसे कि देख सकते होंगे कि हमारा ये मॉड्यूल कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हम आपको वॉल्यूम अप करके दिखा रहे हैं, इस वॉल्यूम को डाउन भी करके दिखाते हैं कि जो इसकी आवाज़ डाउन हो रही है कि नहीं। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है ये 5 वाट के स्पीकर सबको अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, जबकि हम इसके साथ 10 वाट का स्पीकर चला रहे हैं। तो मुझे इसकी आवाज़ क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। वैसे ही मॉड्यूल 5 वाट के स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए है, तो आप सिर्फ 5 वाट के स्पीकर को ऑपरेट कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिखाया है। तो हम आपको मॉड्यूल से भी ऑपरेट करके दिखाते हैं कि आप कैसे गाने को ऑपरेट कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें ऑक्स, TF, MP3, FM लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।